हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो यार गाइस, आज हम सबके फेवरेट फ्रूट सेब की बारी है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। तो मैंने पहले भी वीडियोस में डाल चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए उसे। तो यार जैसे कि आप मेरे पीछे ये लाल लाल सेब देख रहे होंगे, तो इसका नाम है फैनी। और फैनी एक जगह पे और आया था, जो आपने गाना सुना होगा, जिसमें दीपिका पादुकोण और अर्जुन कपूर लीड रोल में थे। तो यार जब गाने की बात आ ही चुकी है, तो क्यों ना दो बोल गुनगुना लिए जाएं, क्योंकि आजकल मैं कंटिन्यूस फेस कर रहा हूँ कैमरे को, तो अभी कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ चुका है। तो अभी कोई झिझक नहीं है। वैसे मैं हल्का फुल्का कभी कभार गा लेता था, मुझे वैसे शौक है, कह सकते हैं बाथरूम सिंगर हूँ मैं। बट आज लाइव पहली बार आप लोग के सामने आ रहा हूँ। तो यार गाने के बोल इस तरह से थे। प्यार वाले दिन सारवे, खत लिख के गुजारवे, ओ फैनी रे, ओ फैनी रे, सुख जिंदगी दे सारवे, तेरी याद विच मारवे, ओ फैनी रे, ओ फैनी रे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ऑडियंस है, वो भी तालियां बजा रही हैं। तो आप भी ताली बजा दीजिए इसमें। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा मेरा गाना। और ये देखो लाल लाल सेब, इसका कलर बहुत रेड रहता है और टेस्ट में भी अच्छा रहता है। इसका टेस्ट की बात करूँ तो मैं, अगर ये खट्टा मीठा रहता है तो। यार एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये जो आपको कपड़ा दिख रहा होगा, ये भूत की तरह जो लटका रखा है हमने, इसका भी एक रीज़न है। वो क्यों लटका रखा है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यार ये देख सकते हो हम लोग को कैसे कैसे नुकसान होता है, देख रहे हो आप। ये कपड़ा इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर टांगा हुआ है, ये देख लो आप। ये सब काम है जो हमारा प्यारा तोता है ना, उसका काम है ये सब। तो उनको डराने के लिए कह सकते हैं कि इस तरह से हम लोग कपड़े लटका देते हैं पेड़ों पे, ताकि वो इन्हें देख के भाग जाएं। तो यार हर तरह से फ्रूट्स बचाने होते हैं हमें, यहाँ पर देख लो आप। तो यार ये देख सकते हो गाइस, कुछ दोस्त हमारे चढ़ चुके हैं पेड़ पे, ये दिख रहा होगा आपको। ये वही बंदर है जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। तो यार ये बलवा और संजय तोड़ रहे हैं इसको, और ये सामने देख रहे हो आप, ये पैंट लटकाई हुई है हमने। और इसका रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये क्यों लटकाई हुई है। ये पुरानी पैंट थी हमारी, तो इसको हमने इस तरह से यूज़ कर लिया। ला और डांट क्यों रहा है भाई मेरे को, बोलो, पकड़ो जल्दी पकड़ो। ये देख रहे हो गाइस, ये मुझे बोल रहा है कि वीडियो वीडियो मत बनाओ, काम कर लो। यार हम अपनी ऑडियंस को ऐसे ही थोड़ी ना रहने देंगे। है भाई तेरा असली नाम क्या है बता दे जरा। तो यार एक दाना टेस्ट करेंगे अभी, और जैसे कि ये मेरे ऊपर से मुझे दिख गया था, तो ये कलर आप देख रहे हो ना, ये सबसे बेस्ट कलर है। और आप देख ही रहे हो कितना रेड कलर इसमें आया हुआ है अभी। वैसे तो और भी काफ़ी हैं इसमें रेड कलर के, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है इसे ही टेस्ट करना चाहिए। तो यार जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इसका टेस्ट खट्टा मीठा होता है। और एक चीज़ और बता दूँ, जैसे बर्फ़ होती है ना गाइस, मैं चिल्ड बर्फ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे पहाड़ों पे ताज़ी ताज़ी बर्फ़ गिरती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। इस फ्रूट को अगर आप
जो ये इतना पका हुआ दिख रहा है, इसको आप ना दांतों पे अगर आप रखेंगे ना, मतलब दांतों से इसे कट करेंगे, तो जैसा ताज़ी ताज़ी बर्फ़ होती ना, बस उसी तरह से पिघल जाती है मुंह पे, ये मान सकते हैं आप। तो यार इसको देख के रहा नहीं जा रहा, खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है इसमें से अभी कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है, शायद आप लोग के मुंह में पानी आ रहा होगा। तो यार इसे करते हैं अभी टेस्ट। देखो बहुत ही इजी, इतने इजी तरीके से मैंने इसे कट किया है कि बिल्कुल भी जोर नहीं लगा। और इसका टेस्ट तो यार मैं कह नहीं सकता, कि मैं बयान नहीं कर सकता। आप जब इसे टेस्ट करेंगे तो इसका नाम है फैनिया, फैनी ज़रूर मार्केट में आए तो इसे ज़रूर टेस्ट कीजिए। कमाल का टेस्ट होता है, क्योंकि खट्टा मीठे का इसमें मिक्सचर रहता है, तो काफ़ी बेस्ट रहता है। सो यार अभी हम लोग फैनी फिनिश कर चुके हैं तोड़ के। कुछ पेड़ हमारे नीचे बगीचे में हैं, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी वीडियो दिखाई है गधेरों की, तो उसके बगल में हमारा बगीचा है। संजय और बलवा तो पहले ही जा चुके हैं, पर मैं थोड़ा लेट हूँ अभी, और मैं भी जा रहा हूँ। देखते हैं उन्होंने कितना तोड़ा है और अभी कितना बाकी है तोड़ना। यार कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं ये लोग, लगता है ज़ोर से आवाज़ देनी पड़ेगी। हेलो कहाँ भाई? अच्छा नीचे हैं। कितनी ऊँची ऊँची घास हुई है जी, ये देखो। तो यार दो बकेट ये लोग तोड़ चुके हैं अभी तक, और अब मैं भी लगता हूँ काम पे। क्या तोड़ रहे हो? अच्छा ये तोड़ रहे हो। तो यार ये देख सकते हो आप, पूरा जंगल है यहाँ से उधर, और यहीं से लगते हुए ये हमारा बगीचा है। तो यहाँ नीचे पे नदी है जिसे गधेरा बोला जाता है छोटा सा। तो यार इसे ये देख सकते हो, इसमें दिख तो रहे होंगे आपको लाल फ्रूट, लेकिन ये खाने में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। दिखने में आपको लाल दिख रहा होगा ज़रूर, इसमें खट्टापन ज़्यादा रहता है, चाहे पक भी जाए। और इसे क्या बोला जाता है भाई? इंटर। तो यार इसे गाइस इंटर बोला जाता है, इंटर बनाना, वो भी मैं भूल चुका था, मेरे भाई ने बताया अभी। तो यार फिर से हम हैं अभी खेत पे, हाफ डे हो चुका है। हाफ डे से पहले हमने दो वैरायटियां के सेब हम दो तोड़ चुके थे, अब है बारी तीसरे की। तो चलते हैं गाइस। तो यार अभी हम तोड़ेंगे इस सेब को, और ये ऊपर आप देख सकते हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा कुछ टंगा हुआ है। तो ये मैं बता दूं आपको, पुराना छाता है हमारा जो ख़राब हो चुका था, लेकिन देख रहे हो अभी भी काम आ रहा है हमारे। और बैकग्राउंड में आप लोग सुन रहे होंगे ये आवाज़, जो तोते चिल्ला रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, उन्हीं लोगों के लिए ये पेड़ों पे लगाना पड़ता है ताकि ये दाने बच जाएँ। तो यार अभी हम इतने सेब तोड़ चुके हैं। तो यार बात करें अगर इस सेब की, तो इस सेब को अमरी बोला जाता है, इसका नाम जो है अमरी है, और इसका टेस्ट होता है बहुत मीठा, चीनी की तरह आप समझ सकते हो। तो दो सेब मेरे हाथ में हैं अभी, एक पका हुआ और एक हरा है, पर ये दोनों का टेस्ट सेम ही होगा, पके हुए का भी और हरे का भी, तो इतना मीठा होता है। तो यार ये तोड़ी हम लोगों ने सेब, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, यह है फैनी। अभी ये देख रहे हो आप, पैकिंग हो रही है इसकी, और ये कुछ हम लोगों ने छोटे छोटे दाने अलग निकाले हैं, इसका अलग ग्रेड बन के जाएगा। और पूरा सामान बिखरा पड़ा है यहाँ पर, अभी
काफ़ी स्पेस चाहिए फ्रूट के काम में, तो ये फैनी पैकिंग हो चुकी है इसमें, और इसके जस्ट बगल में अमरी आप लोग को दिख जाएगी जो मैंने बताया था आप लोग को। तो यार आज हम एक काम और करने वाले हैं, इन सेबों को नहीं तोड़ेंगे गाइस, कुछ और हम लोग करने वाले हैं। ये देख सकते हो आप जो सेब का बगीचा है, इसमें ट्रैक्टर खड़ा है, और ट्रैक्टर के कुछ काम मैं बता देता हूँ आपको अभी जो हम लोग कर रहे हैं। तो यार इनके जड़ों के आसपास हम लोगों ने इन ट्रैक्टर से खोदा हुआ है ताकि जो भी हम पानी डालें इसमें इसके जड़ तक चले जाए, और इसके जो दाने हैं वो थोड़े बड़े हो जाएं और चमक इसमें अच्छी आए। इसलिए अगर हम इसके जड़ों में खुदाई नहीं करेंगे तो पानी जो है नालियों में बह जाएगा, इसलिए अभी ये काम चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं अभी ये ट्रैक्टर चला रहा हूँ यहाँ पर, और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ, ये देख रहे हो इस चिड़िया का नाम सिंटोलिया बोलते हैं यहाँ पर, और बिल्कुल नहीं डर रही है, मैं सामने सामने आके जो ट्रैक्टर में चला रहा हूँ इसके सामने आके भी कंटिन्यूस अपना खाना खा रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो यार सुबह से यहाँ पर बारिश हो रही है, तो यार अभी भी आप सेबों के ऊपर पानी देख सकते हो और हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो ही रही है, आसमान में पूरे बादल हैं अभी, तो कंटिन्यूस सुबह से बारिश हो रही थी, तो अभी भी आप देख सकते हो मौसम पूरा बना हुआ है अभी। सो यार गाइज, इस टाइम पीरियड पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है अपने बगीचे पे, तो सुबह से लेके शाम तक हमें घूमना होता है क्योंकि तोतों का बहुत बड़ा आतंक रहता है इस वक्त। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, दाने अभी हो चुके हैं बड़े, और ये कुछ दिनों में हम लोग मार्केट भेजेंगे इन्हें, तो इस वक्त जो है तोते बहुत ज़्यादा अटैक मोड में रहते हैं, क्योंकि होता यह है कि वो अगर एक दाना खाएं तो कोई बात नहीं चल जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा हर दाने को वो ख़राब कर देते हैं, तो हमें बहुत घाटा होता है इस वजह से। तो यार सुबह से लेकर शाम तक हम लोग घूमते हैं ताकि कुछ हमारा माल बच जाए इस वक्त। तो जैसे कि आप बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे, तोते इस वक्त बहुत ज़्यादा घूमते हैं पूरे बगीचों में, तो जहाँ पर भी हमारे सेब के बगीचे होते हैं वहाँ पर हमें सुबह से लेकर शाम तक घूमना होता है। तो यार बारिश हो चाहे कुछ हो, अभी आप देख रहे होंगे थोड़ी थोड़ी अब बारिश होने लगी है तो बूंदाबांदी, तो इस वक्त भी हमें बीच बीच में चक्कर लगाना होता है बगीचे का। तो यार एक कह सकते हैं शस्त्र हम लेके चलते हैं अपने साथ, ये आप देख रहे होंगे, इसे बोलते हैं गुलेल, बहुत लोग जानते होंगे बहुत लोग नहीं जानते होंगे इसके बारे में। तो यार ये देख रहे हो आप, ये देखो गाइस, तो यार इसे लेके हम लोग घूमते हैं ताकि अगर हमें कहीं पर भी तोते देखें तो हम एक निशाना मारें तीर वाला, और लगे या ना लगे उन्हें थोड़ा सा वो डर जाएं, बस यही रहता है कि वो फिर दोबारा ना आए। तो यार इसी वजह से हम लोग को इसका यूज़ करना पड़ता है। तो गाइस मैं हूँ अभी अंतिम पड़ाव में, तो ये सेब की आखिरी वैरायटी है हमारी, इससे पहले दो तीन वैरायटी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। तो यार ये बहुत स्पेशल है हमारे लिए क्योंकि इससे हमें रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है, पैसा जो रोकड़ा है वो काफ़ी अच्छा बनता है इससे, तो इस मामले में ये सेब सबसे बेस्ट है। जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, अभी इसमें प्रॉपर कलर आ चुका है और सेब भी के साइज भी काफ़ी अच्छे हो रखे हैं इसके, तो ये नेचुरली होता ही है इसमें हर साल। तो यार अभी करते हैं स्टार्ट, तो बनी रहिए मेरे साथ।
तो यार अभी जैसा कि मैं पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, ये आप देख सकते हो, तो यहाँ से अभी ये देख लो आप, तोते ने पूरा आधा कर दिया है सेब, देख रहे हो आप, ये देखो नुकसान। और ये जो पेड़ देख रहा है आपको, इसके ऊपर चोटी में अभी भी ये बोल रहा था थोड़ी देर पहले तक। सो गाइस, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, मैं हूँ अपने घर पे, तो हम लोग अभी सेब तोड़ चुके हैं और दिखाता हूँ मैं आपको अभी। तो यार पिछले वाले जो मैंने सेब की वीडियो डाली हुई है, उसमें मैंने आप लोग को ये दिखाया था कि स्टिकर्स हमने इसमें चिपकाए हुए थे, तो इस बारी कुछ डिफरेंट है। ये भी आप देख रहे होंगे, इसके ऊपर जो हम लोगों ने ये सब डाला हुआ है। अब मैं नहीं जानता गाइस की से बोलते क्या हैं, इसको प्रोनाउंस क्या किया जाता है, लेकिन हमारे जो जहाँ पर हमारा फूड जाता है, तो उन जो बनिए हैं हमारे, उन्होंने ये हमें भेजा हुआ है कि जी आप इसे देख सकते हो आप, इस तरह से पैकिंग करके इनके बीच में इसे डाला जाता है। तो यार जो ये वाली आपको दो अलग से दिख रहे हैं डिब्बे, ये अलग, ये है वैरायटी है ये, लेकिन ये थोड़ी छोटी है साइज़ में, तो इसलिए इसमें सिर्फ स्टिकर्स चिपकाए गए हैं, और इस वाले में स्टिकर्स और ये जो रेशमी सा धागा दिख रहा है आपको, ये डाले गए हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे, और वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। गाइज अभी पैकिंग हो चुकी है, अब इसे अच्छी तरह से ऊपर से बंद करके सीधे वेजिटेबल मार्केट भेजा जाएगा। तो यार मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ सेब की पहले भी, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए उसे। सो गाइज आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।